और आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क। स्वागत है आपका हमारे सेगमेंट यात्रा और पर्यटन में, जिसमें हर दिन हम आपको एक नई और खूबसूरत जगह के बारे में बताते हैं। और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित कुसुम सरोवर के बारे में। भारत भूमि कई तरह के रहस्यों और आश्चर्यों से भरी है। यहाँ आज भी वे स्थान मौजूद हैं जिनका इतिहास बरसों पुराना बताया जाता है, जिनमें किले, महल, बावड़ियाँ और यहाँ तक कि रहस्यमय तालाब भी शामिल है। आपने किससे कहानियों में गड़े खजानों के बारे में जरूर सुना होगा। माना जाता है कि भारत में आज भी कई अज्ञात जगहों पर बेशकीमती हीरे जवाहरात जमीन के अंदर दफन है, जिनका पता आज तक नहीं लग सका है। ऐसे ही रहस्यमय जगह में से आज हम लाए हैं कुसुम सरोवर, जिनके रहस्य की पड़ताल में आज भी कुछ लोग लगे हुए हैं। आज हम भारत के एक ऐसे सरोवर के बारे में जानेंगे जिसके अंदर नागमणि और पारस पत्थर होने की बात आज भी कही जाती है। उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर में स्थित गोवर्धन से लगभग 2 किलोमीटर दूर राधा घाट के पास है ऐतिहासिक कुसुम सरोवर, जो 450 फीट लंबा और 60 फीट गहरा है। प्राचीन सरोवर को मध्य प्रदेश के बुंदेला राजा वीर सिंह देव ने 17वीं शताब्दी में बनवाया था। इसके बाद राजा सूजलमल ने इसका जीर्णोद्धार कराकर इसे भव्य सरोवर का स्वरूप प्रदान किया। सरोवर के पश्चिम में राजा सूजलमल के बेटे राजा जवाहर सिंह ने अपने पिता और अपनी तीनों माताओं की याद में एक ऐसे ऊंचे चबूतरे पर अत्यंत कलात्मक छतरियों का निर्माण भी करवाया था। आपको यहाँ के पौराणिक महत्व के बारे में बता दे तो कुसुम सरोवर से जुड़ी कई पौराणिक कहानियां आज भी है। इसमें सबसे अहम है राधा और कृष्ण की कहानी। ऐसी मान्यता है कि भगवान कृष्ण और राधा जी ने छिप छिप कर कुसुम सरोवर पर मिला करते थे। एक समय राधा रानी और सारी सखियां भगवान कृष्ण के लिए फूल चुनने कुसुम सरोवर गोवर्धन ही जाया करती थी। हालांकि कुसुम सरोवर गोवर्धन के परिक्रमा मार्ग में स्थित एक रणमिक स्थल है जो सरकार के संरक्षण में है। बात करें सरोवर की खासियत की तो आप जानते होंगे कि सरोवर के चारों तरफ सैकड़ों सीढ़ियां मौजूद हैं। इस सरोवर के इर्द गिर्द ढेरों कदम के पेड़ है और कहा जाता है कि कदम का पेड़ भगवान कृष्ण को बेहद पसंद था, और यही वजह है कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर से मथुरा वृंदावन आने वाले पर्यटक कुसुम सरोवर जाना नहीं भूलते। कुसुम सरोवर देखने में जितना खूबसूरत है, आकर्षण उतना ही रहस्यमय और घातक है। एक पवित्र स्थान होने के बावजूद कुसुम सरोवर से एक चौंका देने वाली तथ्य इस रहस्यमय तालाब बनाने का काम करती है। यहाँ के लोगों का मानना है कि इस तालाब में पारस पत्थर और एक इच्छाधारी नाग की मणि है। जब इन बेशकीमती चीजों के बारे में लोगों को पता चला तो उन्होंने इन्हें पाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आज तक कोई इस मणि तक पहुंच नहीं पाए हैं। कहा तो ये भी जाता है कि सरोवर का पानी तैरने के लिहाजा से बेहतर है, लेकिन सरोवर के अंदर शिलाएं मौजूद है जो स्नान के दौरान जानलेवा साबित हो सकती है। यहाँ आने वाले पर्यटक इस स्थान पर बेहतरीन समय बिताना पसंद करते हैं। कुसुम सरोवर के आसपास कई आश्रम और मंदिर है। साथ ही यहाँ की शाम की आरती पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। और बता दूं कि यहाँ श्री राधा बाना बिहारी मंदिर भी मौजूद है। यह स्थान देखने में बहुत ही खूबसूरत है, जो पर्यटकों को काफी हद तक अपनी ओर आकर्षित करता है। यह स्थान राजक्रीड़ा के लिए भी माना जाता है। इस सरोवर की खूबसूरती देखते ही बनती है। रात का नजारा बेहद खास होता है। तो फिर कैसी लगी आपको हमारी आज की यात्रा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में एक नए स्टोरी, एक नए पर्यटक स्थल को लेकर के। तब तक के लिए आप बने रहे जेके न्यूज नेटवर्क के साथ। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले, और ऐसे ही रोमांचक जगहों और रहस्यमय जगहों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।